नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम ले आपके लिए लेके आए हैं GPA प्रपोजल 2024-25 का जो फोरम ऑनलाइन होना था वो अब शुरू हो चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल में प्रिंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारा का सारा कार्य हम सत्र 2024-25 के लिए करने वाले हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमको लॉगिन कर लेना है SSO ID पे। इसके लिए हमको जो SSO लॉगिन है वहाँ लॉगिन कर लेना है, और जो SIPF का नया मॉड्यूल है, आप लोग सभी जानते हैं नए मॉड्यूल पे कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो नए मॉड्यूल पे हमको क्लिक कर देना है। एक OTP जाएगा, OTP को आप सबमिट करके उसमें लॉगिन हो पाएंगे। उसके बाद में की जो कार्यवाही है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको बहुत सारे जो टैब है वो नज़र आएंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जो GPA है उस पे। GPA पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो GPA प्रपोजल की लिस्ट है वो शो हो जाएगी, डैशबोर्ड से हो जाएगा, GPA से हो जाएगा। GPA प्रपोजल की लिस्ट में आपके द्वारा जो भरे गए GPA प्रपोजल है गत सत्र में वो आपको यहाँ से होंगे, चाहे तो आप उनको भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप नया GPA प्रपोजल ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको ग्रीन कलर की जो टेब है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको GPA प्रपोजल और डिपॉजिट का जो टैब है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको GPA प्रपोजल पे यहाँ क्लिक कर लेना है। वो सारी की सारी जो स्क्रीनशॉट अभी आपने देखा था वो इस स्टेप के बाद का था। उसके बाद में जो सारी लिस्ट है जैसा कि हमने आपको बताया है वो सारी आपको शो हो जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। ऐड करने के लिए आप ऐड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड वाले जो टैब है उस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, DOB, DDO का नाम, डेजिग्नेशन, पॉलिसी कौन से साल के लिए आप ले रहे हो, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ GPA प्रीमियम। आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगी, ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कितना GPA प्रीमियम लेना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी हम बताएंगे इस स्टेप के बारे में, और उससे नीचे आप यहाँ नॉमिनी के बारे में देख पाएंगे। यहाँ पर हम शेयर है वो आपको एडिट करना बताएंगे, तो शेयर आपको ये जो पेंसिल का जो टैब दे रखा है यहाँ पर आप क्लिक कर पाएंगे। पेंसिल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसा ड्रॉप डाउन मेनू के बारे में बताया था यहाँ पर आप 700 का जो प्रीमियम है उसमें 10 लाख का जो बीमा है वो है, 1400 में 20 लाख का, और 2100 में यहाँ 30 लाख का बीमा कर्मचारी का किया जाएगा। उसके पश्चात जो नॉमिनी है उसका शेयर आप ऐड कर दे, एक ही नॉमिनी बनाया है तो आप उसका 100% आपको ऐड करना पड़ेगा। दो या दो से अधिक नॉमिनी है तो आप किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं वो आप यहां से ऐड कर पाएंगे। तो ये ऐड करने के बाद में आप यहां सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको सबमिट विद आधार करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करके आए हैं, लॉगिन करने से आपको जो आधार OTP गया है वैसे ही आधार OTP जाएगा। इस प्रकार से आप आधार OTP का वेरिफिकेशन करेंगे। यदि आप समय पर आपको OTP मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप रिसेंड भी OTP को यहाँ कर सकते हैं। OTP को दोबारा सबमिट करने के बाद में सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर जो OTP भेजने का है यहाँ, तो और यहाँ पर जैसे ही आपका जो GPA है वो सबमिट होगा यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से
आपको ये दिखाई देगा जो आपका फॉर्म है वो इस प्रकार से प्रिंट होगा। यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो ये आपको ये समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि आप जो इतना काम तो यदि आपने मोबाइल में कर लिया तो कोई बात नहीं, इसके बाद में आप लैपटॉप या फिर पीसी में आप इसको लॉगिन करें। वहाँ लॉगिन करने के बाद में यदि ऐसी समस्या आती है तो आप कंट्रोल प्लस और माइनस का आप यहाँ काम में ले सकते हैं। आपको तीनों के तीनों प्रीमियम की लिस्ट है, वहाँ से आपको दोबारा प्रिंट का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार बैक करने के बाद में ये प्रिंट आपको दोबारा मिल सकता है। वहाँ से आप इसको प्रिंट करके जो अपना DDO है उसको जितने भी प्रति में उन्होंने मांगा है आपसे, 2 या 3 प्रति में जितनी भी उनकी ज़रूरत है उतनी प्रति में आप उनको साइन करके जमा करवा सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी प्रोसेस जो GPA हम SSYD से SIPF जो न्यू पोर्टल है उस पर किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।